तो फाइनल दोस्तों, मैंने 30 डेज विदाउट यूजिंग सोशल मीडिया ऐप का चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिखाया और मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे एक चीज़ का बुरा लगा, मेरे दो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया था कुछ करने के लिए बट मैं वो कर नहीं पाया। तो पहले मेरे दोस्त ने बोला था कि कैब भाई थोड़ा अपने गाँव के वॉलीबॉल जहाँ खेलते हैं उसकी वीडियो बनाओ। दूसरा तो मैं गया था 11 बजे वॉलीबॉल की वीडियो बनाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि वहाँ आज वॉलीबॉल नहीं खेलेंगे, क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से कोई वहाँ पर वॉलीबॉल नहीं खेला था। और दूसरे भाई ने कमेंट किया था कैब भाई मेरे घर का वीडियो बनाओ। भाई मैं वीडियो कैसे बना सकता, आप रहते बाहर और मैं बिना परमिशन के किसी वीडियो बना नहीं सकता। अगर आप साथ में रहते तो मैं वीडियो बना भी सकता था। कभी आप मिलेंगे तो मैं बना दूंगा आपकी भी वीडियो, आपके घर की भी वीडियो। तो बाकी सब मैं कमेंट पढ़ा और जो जो आपने बोला वो सब मैं करा भी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 30 दिन लगातार वीडियो आपको कैसे ला दिया, क्योंकि एक दो दिन गैप रहता चल भी जाता, मैं 20 दिन गैप नहीं करा, बल्कि मैंने 30 दिन में 33 से 34 वीडियो अपलोड कराए और 10-15 शॉर्ट वीडियो अपलोड कराए। तो मेरे भाई लोग, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही जो जुबान पे आ रहा दिमाग में आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो मेरे भाई, कंसिस्टेंसी के पीछे का यही राज है जो कि रियलिटी, जो कि मैं इसी 30 दिन नहीं बल्कि मैं जितना भी ब्लॉग बनाया हूँ उन सब में मेरी रियलिटी है। जैसे कुछ लोग आते हैं नए नए ब्लॉग बनाने के लिए कि चलते हैं हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, खूब अच्छी ड्रेसिंग मार के कार दिखाएंगे, बाइक दिखाएंगे, ये वो, समझ रहे हैं, सिर्फ भौकाल मतलब दिखावा करते हैं। तो ये सब चीज़ें वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो और बाद में सोचते हैं अब मैं क्या दिखाऊँ। अब कुछ बचा नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में गलती कर दी दिखावा करके। लेकिन तुम्हारे भाई ने जो भी था, जैसा भी था, सामने था, जैसा मैं रियलिटी में रहता हूँ वैसा कैमरे के सामने भी रहता हूँ, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, मैं स्टार्टिंग से जब से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आपको ज़मीन पे वीडियो बना के दिखाया हूँ। मैंने 10 रुपये का छोला भी खाया है, मैंने बारबेक्यू जो कि 900 रुपये का टिकट है वो भी खा के दिखाया है, मैं अपने पैसन गाड़ी पर भी बैठा हूँ और मैं अपने जिक्सर भी बैठा हूँ। जैसा मैं स्टार्टिंग से था वैसे ही मैं आपको दिखाया हूँ। तो यही रीज़न है कंसिस्टेंसी का, अगर आप भी वीडियो बनाएंगे तो दिखावा मत करो, जो भी रियलिटी है वो पेश करो कि हाँ मैं यही हूँ। जो हो आप वो कैमरे के सामने भी रहो, कैमरे के पीछे रहो, तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे रियल लाइफ में तो बहुत से सपोर्टर हैं मेरे पीछे, पर जो मेरे यूट्यूब की जर्नी है उसमें दो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, एक तो ओबैस और एक जिया भाई, दोनों मेरे कज़न हैं। तो एक जो ओबैस है वो मुझे सपोर्ट करता है, स्टार्टिंग यूज कर रहा था यूट्यूब सेटिंग वगैरह के बारे में बताता था, और जो जिया भाई हैं तो उसने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करा। अब सपोर्ट किस तरह का, फाइनेंशियल भी करा और कुछ फीडबैक देकर भी करा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब नए नए आप यूट्यूब पर आएंगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे 3500 या 4000 का एक माइक दिलाया। तो उसकी 2-3 बात है जो मेरे दिमाग में अभी तक बैठी हुई है। जब वो मुझे माइक दिया था तो मुझे एक चीज़ बोला था, कुछ भी कर अच्छे से कर, ये बहाना नहीं, मेरे पास ये नहीं था, घर वाले सपोर्ट नहीं करे, ऐसा वैसा, वो चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि हाँ चलो भाई सपोर्ट तो कर रहे हैं। और एक वर्ड उसका मैं जो दिमाग में घुसा था, एक बस ने चैलेंज लिया था 50 वीडियो 50 चैलेंज ऐसा कुछ तो करके उसका चैलेंज था, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करा और वो करा भी, लेकिन कुछ कारण था जिसकी वजह से 1-2 दिन रुक गया था बीच में। तो जो जिया भाई था उसने ओबैस को समझाया कि ये चीज़ मैं अगर कैब से बोलता तो कैब डेली वीडियो बना देता 50 दिन। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी थी कि अगर ये इतना भरोसा दिखा रहा है मेरे पे, मतलब मैं कर सकता हूँ, तो और मैं करा भी, आपको दिखाया भी, तो अलग बात है जिया भाई का और मेरी डील कभी भी पूरी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें थी मेरे इस 30 दिन के चैलेंज में, आगे भी देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं, आज आरसीबी मैच है और अभी इंस्टाग्राम भी डाउनलोड करने का है, व्हाट्सअप भी डाउनलोड करने का है, तो फिलहाल डाउनलोड करते हैं, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं कर रहा है। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि फर टाइम मिलता मुझे इंस्टाग्राम ना यूज करने पर, क्योंकि इंस्टाग्राम जब भी आप यूज करेंगे तो सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं इंस्टाग्राम यूज करके। मैं सोचा इंस्टाग्राम बंद कर दूं, लेकिन सिर्फ आरसीबी और विराट कोहली की वजह से मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूं, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।